हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक हो गए। तो मैं सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल कंप्यूटर कोड पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बोला था कि हम एक जो है रैंडम पासवर्ड जनरेटर एक एप्लीकेशन बनाएंगे जो हमारा सिंपली ऑटोमेटिकली एक जो है पासवर्ड हमें जो है रैंडमली एक पासवर्ड जनरेट करके देगी, और उसके बाद हम उसको जो है लोकली जो है लोकल डेटाबेस के अंदर हम उसको स्टोर करेंगे। तो आज की डेट में मैं इसका प्रोजेक्ट वगैरह स्ट्रक्चर सेट करूंगा और थोड़ा बहुत इसका सप्लाई स्क्रीन आज की डेट में हम डिज़ाइन करेंगे। तो सेकंड लेक्चर के अंदर जो है हमारा जो इसकी मेन स्क्रीन होगी वो डिज़ाइन हो जाएगी, और थर्ड लेक्चर के अंदर जो है हम इसके बैकएंड की तरफ मूव हो जाएंगे और देखेंगे कि हम वो चीज़ें ऑपरेट किस तरह करते हैं। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ ऑटो पासवर्ड जनरेटर। तो ये हमारी एप्लीकेशन का नाम होगा। एक दफ़ा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो ले तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और साथ में मैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो मैं सेट कर लूँगा साथ साथ। जी, तब तक से ये सारी चीज़ें, ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी सेट नहीं होती। तो यहाँ पे ये हमारा लिब है, तो एज़ यूजुअल हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने बनानी है। एक मैं यूआई बना लेता हूँ जो हमारी मेन होगी। एक हमारी स्क्रीन्स को मैनेज करने के लिए एक स्क्रीन्स होगी कि हमारी कौन सी स्क्रीनें कहाँ कहाँ पे पड़ी हैं। ओके, और स्क्रीन्स और एक वैल्यूज़ का होगा एज़ यूजुअल जो हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास थीम वगैरह आ जाएगा और डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी। यूआई होगी, ये होगी और मेन स्क्रीन होगी, और इसको हम सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देंगे मेन स्क्रीन यहाँ पे जो मेन फाइल होगी। और इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे दोबारा यूज़ इम्पोर्ट फ्लटर मटेरियल, और यहाँ पे एज यूजुअल वाइड मेन। तो अभी तो एज सच कुछ नहीं हम इसके लिए एग्जीक्यूट करेंगे। ओह सॉरी, तो यहाँ पे अभी मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ और यहाँ पे स्टेटलेस विजिट बना लेता हूँ माय ऐप, ठीक है जी। और इसको मैं करता हूँ रिफैक्टर या माय ऐप ही रहने देता हूँ। रन ऐप, और इसको चाहिए होता है माय ऐप, तो इसके अंदर मैं की पास कर दूंगा और की होगी हमारी, और इसको की को मैं रख दूंगा यहाँ पे माय ऐप, और इस सारे को मैं सेट कर दूंगा ये कॉन्स्ट है, ठीक हो गया। ओके, तो ये सेट हो जाएगा, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा मटेरियल ऐप, और इसका टाइटल होगा पासवर्ड जनरेटर। ओके, ये भी इशू कर रहा है, इसके साथ मैं इसको सेट कर देता हूँ कॉस्ट, ठीक है। आगे होम है, और होम की इसको कुछ चाहिए होगा, और हमारी यूआई के अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा और उसका नाम होगा होम स्क्रीन या मेन स्क्रीन बोल दें। एक ये होगी और एक होगी हमारे पास सप्लाई स्क्रीन। पहले मैं सप्लाई सेट कर देता हूँ, तो स्प्लैश, और यहाँ पे मैं एक डार्ट फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम भी स्प्लैश लिख देता हूँ मैं, और एज यूजुअल इम्पोर्ट फ्लटर। जूम इन कर देते थोड़ा सा फ्लटर मटेरियल, और यहाँ पे मैं अभी एक दफ़ा स्टेटलेस बना रहा हूँ, जहाँ पे हमें नीड होगी इसको मैं स्टेटफुल कर दूंगा, और इसका नाम मैं रख देता हूँ स्प्लैश। और हमारी स्क्रीन्स किधर हैं? चलें स्क्रीन्स के पास तरफ बाद में आते हैं। ओके, कॉस्ट, तो यहाँ पे ये स्प्लैश आ जाएगी, और इसको की चाहिए होगी, और की इसको दे देंगे हम एक वैल्यू, और वैल्यू क्या होगी स्प्लैश। ओके, वेयर इज द इशू? ओके, वो आना नेसेसरी बोल रहे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि हमने इसको अभी कॉस्ट किया हुआ है इस वजह से। और शो इसको हम कर देंगे शो सोमेटिक ट्यूब, अगर इस तरह का था कुछ जो हम, चले एक दफे इसको हम
वेयर इज स्पेस स्क्रीन कंटेनर की बजाय यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं स्कैफर्ड, और इसके अंदर हमें एप बार तो नहीं चाहिए होती लेकिन बॉडी चाहिए होती है, और बॉडी के अंदर हमें रिक्वायर होगा एक दफ़ा मैं सेंटर, और सेंटर के बाद ओ चाइल्ड इसके अंदर चाहिए होता है, और चाइल्ड के अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ यू एट स्प्लैश, ठीक है स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, और वो मैं दे दूंगा ओके स्कैफर्ड। इसको एक दफा मैं कॉन्स्ट सेट कर देता हूँ, कॉस्ट सेट करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली जो है टेक्स्ट स्टाइल इसका कलर दे देता हूँ कलर स्टॉट ब्लैक, और यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज दे दूंगा 30। तो ये सेंटर के अंदर जो है हमारा वो टेक्स्ट वगैरह ये यूज़ हो जाएगा ओके। तो अब हम अपना ऐप जो है मैं हमारी पहले साथ में एमुलेटर रन कर लूँ, डाटा इसका एक दफ़ा क्लीन कर देते, और ये मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ ओके। मैं मेन स्क्रीन को एक दफ़ा दोबारा देख लूँ, माय ऐप, और माय ऐप के अंदर ये होम के अंदर क्या आ रहा है सप्लाई स्क्रीन आ रही जी, ठीक हो गया ओके। व्हाट क्या इशू है, किल क्यों हो गया है, लास्ट टाइम तो बिल्कुल ठीक चल रहा था, इशू क्या हो गया इसको। ओके जी चल गया हमारा एमुलेटर, एक दफा ये स्टार्ट हो गया तो फिर इसको आगे हम कंटिन्यू कर देते हैं। अब मैं इसको ज़रा एग्जीक्यूट करता हूँ, एक दफ़ा ये कंप्लीट हो ले फिर इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके तो ये कुछ वार्निंग आ गई है, ये न्यू मैप की स्क्रीन है, ये ओल्ड है, इसको आप लोगों ने कुछ किया है क्योंकि ये डार्ट का जो न्यू वर्जन है ये जो है मल्टी कोर पे सपोर्टेड करता है, ये पहले जो है डार्ट ये सिंगल कोर पे था, अब ये पूरे ओवरऑल लेट्स सपोज कोई हमारे ऐप मोबाइल है वो ऑक्टा कोर है तो वो ऑक्टा कोर के हिसाब से उसको जो है ना एग्जीक्यूट करेगा, ये चीज़ अच्छी आई है डार्ट के अंदर, और ऐप की परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा अच्छी की गई है और फास्ट की गई है। ओके पेरीमीटर नॉट क्रैक्ट हो जो यार इतनी देर, हमने और भी बहुत से काम करने, खैर एनीवेज जब तक वो होता है मैं साथ में यहाँ पे हमारे एसेट्स का फोल्डर जो है मैं वो जनरेट कर लेता हूँ, एसेट्स, और यहाँ पे मैं जो है हमारा लोगो है मैं उसको ज़रा इंपोर्ट कर लूँ, हाँ दिस
इस पासवर्ड PNG, ये मैंने इसका नाम रखा हुआ है, और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये लोगो है हमारा जी, ठीक है। अब मैं इस, जब तक वो होता है इंस्टॉलेशन इसकी होती है। ओके जी, यू आर एट सप्लायर स्क्रीन जी, आप सप्लायर स्क्रीन पे आ गए, ठीक है जी। और वो वाइट है, बाकी सारी की सारी स्क्रीन जो है हमारी वाइट है, ठीक है। ओके, तो अब हम ज़रा इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह कर लेते हैं। पहले मैं एसेट्स को क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, कॉपी रेफरेंस एसेट्स, और ये मैंने आप लोगों को तरीका बताया हुआ है। परस्पेक्ट EML के अंदर आना है और इसको करना है अनकॉमिट, और यहाँ पे हिट एंटर, और ये माइनस, और यहाँ पे वो वाला पाथ, और ये बैक स्लैश, और इसको अब हम कर देंगे पब गेट। ओके, ये एरर है, ठीक है। अब जरा पब गेट करें, अब वो फ्री हो जाना चाहिए जी। तो ये हमारे एसेट्स के पाथ को इसने कर लिए डिटेक्ट। ओके, इसको हम करेंगे इग्नोर, और ये स्कैफर्ड, और ये सेंटर 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 सेंटर, ठीक है, सेंटर को ऐसे रहने देते हैं। ओके, ये टेक्स्ट है और टेक्स्ट स्टाइल है, इसको अब हम कर देते हैं रिमूव, और यहाँ पे इसको दे देते हैं। दो तरीके बताए थे इमेज को डिस्प्ले करने के लिए, तो मैं जो यहाँ यहाँ पे इमेज डॉट, जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज द इशू, दिस इज बॉडी। ओके, ये सेंटर, और इमेज डॉट एसेट्स, और इसके अंदर में ये कर रहे, तो अच्छा है जी। इसको क्या किया हुआ है, द कंस्ट्रक्टर इज नॉट कॉन्स्ट। ओके, तो वो बोल रहा है इमेज एसेट्स का ये कंस्ट्रक्टर है आपका कॉन्स्ट नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया जी। अब हमारा सेट हो जाएगा। अभी तो मैं डायरेक्टली जो है ना इसका मैं कॉपी रेफरेंस पाथ वो कर रहा हूँ, ताकि हम इसको एक दफ़ा डिस्प्ले कर लें, बाकी काम हम बाद में करते हैं। ओके, हो जाओ, तो ये आ गया सेट, लेकिन ये बहुत बड़ा है, तो इसका सिंपल सा तरीका ये है। एक तो इसको हम करते हैं, एक मैंने आप लोगों को चीज़ बताई थी, इसको हम रैप करते हैं फिटेड बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो फिटेड बॉक्स, और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें की आ जाएगी, फिट करना है, अलाइनमेंट करना है, और क्लिप बिहेवियर है। स्क्रीन हमारी लेट्स सपोज छोटी होगी, तो उसके हिसाब से ये सेट हो जाएगा, और इसको मैं रैप करता हूँ पैडिंग के अंदर। पैडिंग ऑल साइड से इसको हमने कितनी देनी है, 20 के देख देखते क्या होता है। ओके, ये काफ़ी बड़ा है, फिर भी काफ़ी बड़ा है, इसको पैडिंग से करते हैं रिमूव रिमूव, और यहाँ पे इसकी हम विड्थ डिफाइन कर लेते हैं। विड्थ हम दे देंगे इसकी 300 बाय विड्थ इसकी 300, 250 बाय हाइट 250। अब हम देखते हैं ये कितना हो जाता है। ओके, तो सप्लाई स्क्रीन के अंदर अभी इतना ठीक है मेरे ख्याल में, ये इसको और भी छोटा कर लेते हैं, हम 200 कर लेते हैं, 200 बाय 200, ठीक है। ओके, अब बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ये फिटेड बॉक्स और सेंटर, और इसको हम रैप कर देंगे हमारे किसके अंदर, कॉलम के अंदर। एक तो ये हमारी इमेज आ जाएगी, और इमेज के बाद सिंपली यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट। इस, अच्छा, टेक्स्ट में भी अब दो चीज़ें, एक रिच टेक्स्ट है, रिच टेक्स्ट एक वो चीज़ है, और एक खाली जो है टेक्स्ट है। तो अभी के लिए तो मैं टेक्स्ट ही यूज़ करूँगा आप लोगों के लिए, तो इसका यहाँ पे मैं रखता हूँ पासवर्ड जनरेटर,
और इसको मैं सेट कर देता हूँ कॉस्ट। ओके, तो वो फिटेड बॉक्स में रखने का ये फायदा हो जाएगा कि वो स्क्रीन बड़ी होगी तो उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग जो है ना वो उसको सेट कर देगा, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, पासवर्ड जनरेटर है ये है, और इसको हम दोबारा रीलोड करके देख लेते हैं। ओके, तो ये टॉप पे चला गया है। यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, तो ये सेंटर में दोबारा वापस आ जाएगा। होपफुली नहीं आया। चलो एक और चीज भी है इसके अंदर, मेन एक्सिस। ओके, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा हमारा। ठीक है जी, अब ये पासवर्ड जनरेटर है और इसके अंदर थोड़ा सा हमने स्पेस डालनी है। ओके, यहाँ पे वैसे इमेज एसेट्स कंट्रोल, ठीक है इसको थोड़ा सा हम इस तरह करते हैं और यहाँ पे देखते हैं भाई और क्या क्या चीज़ है। फिट है, कलर है, अलाइनमेंट है, बंडल है, कैशे हाइट है, कैशे विड्थ है। वैसे ये कैशे हाइट क्या लेती है, लेट मी चेक। अच्छा जी, इंटीजर ही लेती है ये कैशे, इसकी कैशे हाइट तो इसको भी हम 200 कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। वैसे मैंने कभी ये चीज़ यूज़ नहीं की और मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। कैशे विड्थ 200, लेट मी चेक कोई फर्क पड़ता है इस पे, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। चले देखते हैं, मैं इसके बारे में वैसे कैशे हाइट के बारे में सर्च करके नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा कि हम किस तरह ये किस लिए यूज़ करते हैं और इसका हमें फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, पासवर्ड जनरेटर और यहाँ पे स्टाइल और टेक्सटाइल और यहाँ पे एंटर कलर स्टॉट ग्रीन ही एक दफ़ा कर रहा हूँ, बाद में हम देखेंगे कौन सा कलर जो है वो करना है। कलर डॉट ग्रीन और फॉन्ट साइज इसका होगा 25। ये भी हम चेंज करेंगे, टेक्सटाइल को भी इसको भी हमने चेंज करना है अभी। तो ठीक है, ये आ गया। ओके, इसके बाद हमारे पास स्टाइल के अंदर और क्या क्या आ जाते। ओके, हाँ लोकेल, अगर आपने इसको चेंज करना है मतलब इसका किसी उर्दू लैंग्वेज में है या इस तरह की कोई और लैंग्वेज आपने करनी तो उसके लिए ये होता है। मैक्सिमम लाइंस, ओवरफ्लो टेक्स्ट, सिमेट्रिक लेबल, सॉफ्ट रैप, ये इसको हमने ट्रू कर सकते हैं या फॉल्स कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल में फॉल्स होता है। टेक्स्ट स्केल्स, टेक्स्ट विद बेसिस, टेक्स्ट विद बेसिस, आई डोंट नो ये किस लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हमने इसको साइज देना है 20 डॉट हाइट, डॉट और इसके बाद क्या आ जाएगा। अच्छा जी, बिट लेंथ इज इवन इज साइन इज फाइनाइट, ओके। यहाँ पे वैसे कुछ होता था इसका हाइट करने के लिए, वो भी एक तरह से हम यूज कर सकते हैं। ओके, हाइट साइज्ड बॉक्स और उसकी हाइट हम दे देंगे 20, दैट इज आल्सो कॉन्स्ट क्योंकि हार्ड कोडेड दिया हुआ है हमने। ओके, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमने थोड़ा सा इससे नीचे एक लोडिंग वाला इंडिकेटर हमने लिखाना है, तो वो भी हम दिखा देते हैं। ये साइज बॉक्स को मैं ज़रा वैसे ही कॉपी करके ना पेस्ट कर देता हूँ और उसका नाम रखते हैं सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, और यहाँ पे इसको हम कलर देंगे कलर स्टॉट ब्लू दे देते हैं, ब्लू कलर ठीक रहेगा। इसको भी मैं कॉस्ट सेट करता हूँ। ओके, इसको कंट्रोल आल्ट, ये दोबारा ज़रा इसको सेट कर दिया अच्छे तरीके से। ओके,
प्रोग्रेस इंडिकेटर ये, और बैकग्राउंड कलर नहीं है, सिमेटिक। वैसे बैकग्राउंड कलर देखते हैं, कलर डॉट ब्लैक, बैकग्राउंड कलर दे दिया, ये दे दिया, सिमेटिक लेवल, स्ट्रोक विड्थ, वैल्यू वैल्यू कलर। अच्छा जी, विड्थ हम इसको दे देते हैं 20 की, लेट मी चेक। ओके 20, तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। तो ये ब्लैक डॉट विद ओपेसिटी हम इसको दे देते हैं 0.5, ये थोड़ी सी, तो ये कॉन्स्ट इसका रिमूव करेंगे तो वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। ओके तो ये हमारा प्रोग्रेस इंडिकेटर हो जाएगा डिस्प्ले में, ठीक हो गया जी। तो ये स्टेटलेस है, इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे स्टेटफुल में के अंदर। और स्टेटफुल के अंदर कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, जो लोग मेरे पहले लेक्चर ले चुके हैं उसको अब हम देखते हैं। इनिट स्टेट है हमारी ये, ताकि हम इसको एक टाइम के बाद अगली स्क्रीन पे नेविगेट कर सकें। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ होम स्क्रीन, इम्पोर्ट फ्लटर मटेरियल। ओके तो ये फ्लटर मटेरियल डॉट, और यहाँ पे मैं स्टेटलेस बना लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ मेन स्क्रीन। और यहाँ पे मैं स्कैफर्ड, और यहाँ पे मैं एक बार चाहिए होगी, बल्कि एक दफा सेंटर के अंदर मैं वो चीज मेंशन कर देता हूँ बॉडी, और ये सेंटर चाइल्ड टेक्स्ट यू एट होम स्क्रीन, और इसको एक दफा मैं कॉन्स्ट सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव होने के लिए हम नेविगेटर डॉट पुश का मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ था कि हम जो है सिंपली ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, हमने उसको जस्ट कॉपी करना और पेस्ट करना है। तो वो चीज़ हम देखते हैं आज दोबारा, मैं इसको जो है दोबारा इम्प्लीमेंट करता हूँ जी। तो ये मैंने सर्च कर लिया एक नेविगेट करने के लिए न्यू स्क्रीन पे, ये एक तरीका है। ओके किधर है हमारा नेविगेटर डॉट पुश, ओके ये मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद, हाँ जस्ट सेकंड, अच्छा जी यहाँ पे मैं एक ना बनाता हूँ कॉमन फंक्शंस के नाम से डायरेक्टरी, कॉम फन के नाम से मैंने रखा है इसका नाम, ठीक है। और इसका नाम कॉमन फंक्शन, ठीक है। ओके तो यहाँ पे जो है हमारे जितने भी कॉमन जो फंक्शंस होंगे ना, हम वो वाले सारे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो कॉमन फंक्शन होगा वो, इसको हम इस तरह लिखते हैं इस फाइल को। ओके नेक्स्ट, इसका नाम रखते हैं स्क्रीन चेंजर, ठीक है। इसका नाम है स्क्रीन चेंजर रख देता हूँ, और यहाँ पे ये, और इसको एक वार चाहिए होगा, और एक स्क्रीन नेम। अच्छा इसको मैं ना ज़रा इस तरह नहीं करता, इसको मैं करता हूँ रिमूव, और ये ओफ, ठीक है। स्क्रीन नेम, ठीक है। और इसको मैं साथ में ये कर देता हूँ, रिक्वायर्ड कर देता हूँ, वार है तो एक सेकेंड, जस्ट आ फंक्शन। ओके क्या बोल रहा है, एड रिक्वायर्ड, ठीक है वही मैं चाहता था, ठीक है। नेविगेटर डॉट पुश, और यहाँ पे जो सेकंड स्क्रीन आ जाएगी वो SCN आ जाएगा। फंक्शन हमारा कौन सा होगा, इस टाइप का फंक्शन होगा। ओके यहाँ पे हमें वही करना है, इम्पोर्ट फ्लटर मटेरियल, तो ये मेरे सारे एरर चले जाएंगे। एक ये इसको चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट
कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, और इसको भी हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड कीवर्ड लगा देते। ये दो चीज़ें इसको लाजमी चाहिए होंगी। ओके, क्या मसला है इसको? ओके, और इसके साइड से मैं ये रिमूव कर दूँ तो कोई मसला नहीं, ठीक है। ओके, ये चीज़ है स्प्लैश, और यहाँ पे अब हम लगाते हैं टाइमर। ओके, तो यहाँ पे इसको एक चाहिए होगी ड्यूरेशन, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेकंड्स 3, और कॉल बैक के लिए हम इसको यहाँ पे ये फंक्शन, और क्या था उस फंक्शन का नाम, स्क्रीन चेंजर। ओके, एक तो ये चीज आ जाएगी, और सेकेंडली यहाँ पे मैं इसको स्क्रीन का नाम पास कर दूंगा होम स्क्रीन। क्या नाम से इसका, होम स्क्रीन का मैंने क्या रखा, मेन स्क्रीन, सॉरी, यहाँ पे स्प्लैश के मेन स्क्रीन, ठीक है। ओके, द मेन स्क्रीन कांट बी असाइन टू द पैरामीटर टाइप ऑफ फंक्शन। अच्छा, ठीक है, ओके, लेट मी थिंक, वेयर इज द इशू, वायर फंक्शन नहीं, इसको मैं वार कर देता हूँ। अब ये मेरा होपफुली, हाँ ठीक है, वैसे लेट मी चेक ये होती किस टाइप की है, मेन्स एड कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट चला गया, वैल्यू बाद में दे लेंगे, और यहाँ पे ये सेमी कॉलन, कॉन्टेक्स्ट वो खुद ही गेट कर लेगा, वो कोई इशू नहीं, ठीक है। इसके भी कॉस्ट हमने लगा दिया। ओके, तो अब हम इसको ज़रा कंप्लीटली फुल्ली जो है ना वो रीस्टार्ट करके देखते हैं। ओके, द मेन स्क्रीन हैज नो इंस्टेंस कॉल, रिसीवर इंस्टेंस मेन स्क्रीन ट्राई टू कॉल, व्हाट इज दिस, ये क्या इशू आ रहा है। एक्सेप्शन आई है, इंस्टेंस ऑफ मेन स्क्रीन ट्राइड कॉल, ओके, और की इसलिए मैं गेटेक्स ज्यादा अच्छा समझता हूँ क्योंकि वो स्क्रीन की नेविगेशन ज्यादा अच्छे से कर देता है। दोबारा से इसको रीलोड करते हैं, देखते हैं क्या इशू। ओके, ये कुछ एरर आ रहा है, क्लास मेन स्क्रीन हैज नो इंस्टेंस मेथड टू कॉल, इंस्टेंस ऑफ मेन स्क्रीन ट्राई टू कॉल। ओके, आप वो बोल रहे हैं कि आपने मेन स्क्रीन को जिस तरह कॉल करने की कोशिश कर, इस तरह नहीं हो सकती। मैंने तो सोचा था इस तरह ये चीज काम कर देगी। ओके, लेट मी चेक, इसको मैं यहाँ पे अगर विजिट कर दूँ तो ओके,
ठीक है, ओके, इसको ज़रा हम रीलोड करते हैं, देखते हैं। मैं आप लोगों के साथ लाइव इसलिए करता था कि जो मुझे लाइवली एरर फील हो ना, मैं उनको साथ में टैकल, ठीक है जी। वो वहाँ पे हमने विजिट लिखना था, मैं पहले फंक्शन या इस तरह का कुछ गलती कर रहा था, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी स्क्रीन होती है वो भी एक विजिट ही होता है, तो उसने वहाँ पे हमारी नेविगेट 3 सेकंड के बाद क्या हो गया, अगली स्क्रीन पर उसने हमको नेविगेट कर दिया। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, तो इस तरह की वीडियोस जो हैं आप आती रहती हैं। अगर फ्लटर से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें अपडेटेड हो तो वो चीज़ें भी आती रहती हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।